रेडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम केबीसी सीजन 11 का वीडियो नंबर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मई को पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन क्लिक करना भी ना भूले। जैसे इस वीडियो पर 500 प्लस व्यू और 50 प्लस लाइक हो जाएंगे, तब इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो क्वेश्चन जो कि 8 मई को पूछा गया था केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है, इस हिंदी कहावत को पूरा करें, कौवा चला देश की चाल अपनी चाल ही भूल गया। इस क्वेश्चन का इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है खरगोश, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी शेर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 9 मई को रात 9 बजे से पहले पहले इन नंबरों पर सेंड करना है। वो नंबर इस प्रकार है 509093। इसके बाद में आपको मोबाइल में क्या टाइप करना है, केबीसी स्पेस योर आंसर, आपका आंसर बताना है, स्पेस एच स्पेस योर जेंडर, यानी कि आपका जेंडर बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 9 मई को रात 9 बजे से पहले पहले सेंड करना है। तो यह था वो क्वेश्चन जो कि 8 मई को पूछा गया था केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए शुरू करते हैं उन 5 क्वेश्चंस को जो हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। वो 5 क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। इसके 4 ऑप्शन है, जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर ईरान ने। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चीन। चीन देश ने 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चीन ने वर्ष 2020 तक अपना कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की घोषणा की है। चीन का उद्देश्य है कि शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को हटाने तथा शहरी क्षेत्रों से बिजली की खपत तथा लागत कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। चीन ने एक कृत्रिम उपग्रह दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के चेगंदु शहर में विकसित किया है। चेगंदु एरोस्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन वु चुनफेड द्वारा इस बात की घोषणा की। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोवा राज्य ने, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य ने, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य ने, ऑप्शन डी है बिहार राज्य ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्रीय समित फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड यानी कि FPA जीता है। सिक्किम को ये पुरस्कार राज्य को पूर्ण रूप से जैविक राज्य बदलने के लिए बनाई गई नीतियों के कारण दिया गया है। पुरस्कार आयोजकों का कहना है कि राज्य की नीतियों से जहां 66,000 किसानों को फायदा हुआ, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य देशों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने ये पुरस्कार ग्रहण किया यानी कि प्राप्त किया। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 102वां स्थान, ऑप्शन बी है 103वां स्थान, ऑप्शन सी है 104वां स्थान, ऑप्शन डी है 105वां स्थान। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
यानी कि 103वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 जारी की गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में कुल 119 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 103वें पायदान पर है। भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 106वें स्थान पर मौजूद है, जबकि भारत पिछले वर्ष 100वें स्थान पर था। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? इसके चार ऑप्शन है, अमेरिका ने, जापान ने, रूस ने या फिर जर्मनी ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी ने। जर्मनी देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। ट्रेन LIDR टेक्नोलॉजी, कैमरा सेंसर्स और कई रडार से लैस है। इस ट्रेन ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित होने वाली पहले इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। ये ट्रेन इंसानों के मुकाबले अधिक तेजी से ट्रैक साइड सिग्नल और संभावित खतरों की पहचान करने में सक्षम है। इसका परीक्षण वास्तविक यातायात परिस्थितियों में 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर सेफ्टी ड्राइवर के साथ किया गया था। ये ट्रेन रडार और कैमरा सेंसर से लैस है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण की घोषणा की है? इसके चार ऑप्शन है, केरल राज्य ने, बिहार राज्य ने, तमिलनाडु राज्य ने या फिर ओडिशा राज्य ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तमिलनाडु सरकार ने नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण के लिए इस योजना की घोषणा की। नील कुरुंजी का पौधा 12 वर्षों में एक बार खिलता है। सरकार को इस पौधे के फूलों की व्यापारिक बिक्री की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। ये एक किस्म का उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये पौधा पश्चिमी घाट के 16 वन में पाया जाता है। पूर्वी घाट में ये पौधा सेवराय पहाड़ियों में पाया जाता है। ये पौधा केरल में अनामलाई हिल्स और अगाली हिल्स तथा कर्नाटक के संदूर हिल्स में पाया जाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 किया गया? इसके चार ऑप्शन है, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, श्रीलंका के साथ या फिर मालदीव के साथ। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के मध्य उत्तराखंड में संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 किया गया। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौबटिया में सितंबर 2018 में आयोजित किया गया। यह इन देशों के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। सैन्य अभ्यास 2018 के अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य बल संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियान का संयुक्त रूप से अभ्यास किया। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले KBC सीजन 11 के वीडियो नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू।